रायबरेली शहर कोतवाली में मिले लावारिस शौकत रहमान फाउंडेशन कमेटी ने कराया अंतिम संस्कार। रायबरेली शहर स्थित कब्रिस्तान पर लावारिस लाश को रहमान फाउंडेशन कमेटी के द्वारा शव को प्राप्त किया, जो पुलिस प्रशासन द्वारा पोस्टमार्टम के बाद उसको सुपुर्द खाक किया गया। उक्त शव के बारे में पुलिस ने सूचना दी 72 घंटे पहले मृत हालत में जिला अस्पताल के पास मिला था, जिसकी पुलिस द्वारा जाँच करने पर मौत हो चुकी थी। तलाशी लेने पर ऐसा कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ जिससे उसकी पहचान हो सके। अखबार और टीवी पर सूचना देने पर भी जब भी कोई वारिस नहीं आया तो पोस्टमार्टम के बाद उक्त शव कमेटी को सौंप दिया। आपको बता दें, उक्त कमेटी द्वारा कई सालों से यही कार्य कर रहे हैं। अब तक कमेटी 75 लावारिस शव मुस्लिम समुदाय का दफन करवा चुकी है। कमेटी के सदर आजाद खान ने बताया, अगर प्रशासन को कोई भी लावारिस लाश मुस्लिम समुदाय की मिलती है तो उस शव को उक्त पूरी टीम को मुस्लिम रीति रिवाज से दफनाने का कार्य करती है। पुलिस प्रशासन ने बताया कि किसी भी लावारिस लाश को 72 घंटे पहचान के लिए रखने के बाद उसको अंतिम संस्कार के लिए कमेटी को सौंप दिया जाता है। उक्त मिट्टी की जनाजे की नमाज अदा करने के बाद उसे पुलिस प्रशासन की निगरानी में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। मिट्टी में कमेटी के सदस्य यूसुफ मिर्जा, अजहर बेग, कलीम खान, इजहार अंसार, मौलाना मिसबाह, हाफिज तौहीद आदि लोग मौजूद रहे। साथ ही साथ दो पुलिस के कांस्टेबल भी मौजूद रहे।